हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का एक्सरसाइज 14A जिसमें हम देख रहे हैं स्टैटिक्स, जो कि हमारा आरएस अग्रवाल का सॉल्यूशन होगा। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो है हमारे प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है, तो आप उस वीडियो को वहाँ से जाके देख सकते हैं। और आप प्रीवियस क्वेश्चंस को एक बार जरूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करें, ताकि आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी इजी तरीके से समझ में भी आए और आप इस क्वेश्चंस को एक बार खुद से भी प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो देखेंगे एक्सरसाइज 14A का क्वेश्चन नंबर 11 में बोला जा रहा है, द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 40 हाउसेस इन अ लोकेलिटी आर गिवन बिलो। इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया जा रहा है 40 घरों का किसी एक लोकेलिटी का, जो कि हमें डाटा के फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पे। अब बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, यानी हमें फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है। तो फ्रीक्वेंसी टेबल के लिए हम पहले क्या करते हैं, क्लास इंटरवल के बाद क्या लिखते हैं, टैली मार्क, उसके बाद फ्रीक्वेंसी, इतना डाटा हमें चाहिए। इस डाटा के बाद जो होगा मेरा ये टेबल, फ्रीक्वेंसी टेबल तैयार हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम लिमिट एंड मिनिमम लिमिट। तो यदि मैक्सिमम हम देखें तो मैक्सिमम 127 यहां पे है, 129 130, यानी मैक्सिमम जो है कितना है, 130 है। मिनिमम देख लेते हैं, मिनिमम मेरे पास कितना है, तो मिनिमम यहां पे 80, 62, 52, यानी मिनिमम जो है मेरे पास वो है 52। यानी हमें यहाँ पे तो गिवन नहीं है कि हमें हाइट कितना लेना है, यानी जो क्लास इंटरवल है कोई सफिशियंट दिया हुआ नहीं कि इतना से इतना लेना है। तो हम 10 का लेके चलेंगे, मिनिमम मेरे पास कितना है 52, यानी स्टार्ट करते हैं हम 50 से लेकर के 60, 10 का लेके चल रहे हैं, 50 में 10 ऐड करेंगे 60, ये जो अपर है नीचे का लोअर हो जाएगा, यानी 60, 10 ऐड करेंगे तो 70, अगेन ये इसका लोअर बन जाएगा, यानी 70 में 10 ऐड करेंगे तो 80, 80 में 10 ऐड करेंगे तो 90, 90 में 10 ऐड करेंगे तो 100। इस तरीके से हमें कहाँ जाना है, 130 तक है, बट 130 तक पहले देख लेते हैं 100, और 100 में 10 ऐड करेंगे 110 में 10 ऐड करेंगे 120 में 10 ऐड करेंगे 130, बट यहाँ पे 120 से 130 जो है मेरे पास मैक्सिमम जो है 130 है, यानी इसमें तो 130 अवेलेबल नहीं होगा, इसमें इंक्लूड नहीं होगा, चूँकि इसमें 120 से लेके 129 ही होगा, यानी एक स्टेप हमें और बढ़ना पड़ेगा 130 से 140। ये मेरे पास जो है क्लास इंटरवल ड्रॉ हो गया है। अब देखना हमें 50 से 60, फर्स्ट जो क्लास इंटरवल है 50 से 60 है, यानी 50 से लेकर के 60 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 59 तक। इस लाइन में कोई नहीं है, 50 से लेकर के 59 तक एक यहां पे मिल गया, 59, दो, यानी इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा 2 होगा। सेकेंड है 60 से 70, यानी 60 से 69 हमें चेक करना होगा, 70 जो होगा इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 60 से 69 एक हो गया,
यहाँ पे एक है, दो है, 60 से 69 हमें चेक करना है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यानी ये पांचवा है, क्रॉस करेगा, और एक यहाँ पे है, यानी 60 से 69 में मेरे पास कितना हो गया, 6 हो गया, 5 और 1 6। नेक्स्ट 70 से 80 है, यानी 80 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 70 से 79, 70 से 79 एक हो गया, यहां पे एक है, एक यहां पे है, अब मेरे पास कोई नहीं है, यानी 70 से 79 तक कितना हो गया, 3। नेक्स्ट देखेंगे 80 से 90 है, यानी 80 से लेकर के 89 तक, 90 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 80 से 89 एक हो गया, 80 से 89 एक दो, 1 2 3 4 हो गया, 1 5 1 2 80 से 89 हमें चेक करना था। तो अब आप देख सकते हैं, अब मेरे पास 80 से 89 में कितना हो गया, 5 2 7 80 से 89, अब तो कोई नहीं बच रहा ना, 80 से 89, यहाँ पे 82 बच रहा था, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, यानी इसका फ्रीक्वेंसी टेबल में 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 to 100, यानी 100 इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा, 90 से 99 एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, पाँच हो गया, पहले पाँच कर लेते हैं, 1 2 3 4 पाँचवा इस पर क्रॉस कर जाएगा, 90 से 99 हमें चेक करना था, तो अब नहीं है, यानी 90 से 99 में कितना है, 5। नेक्स्ट है 100 से 110 है, बट 110 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, 100 से 109, 100 से 109 एक दो तीन चार, 100 से 109 5, पहले 5 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, 100 से 109 एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे छूट रहा है, यानी अब जो होगा मेरे पास 100 से 109 के बीच में 5 और 2 7 फ्रीक्वेंसी इसमें होगा। नेक्स्ट है मेरे पास 110 से 120, यानी 20 तो इंक्लूड नहीं होगा, 110 से 119 एक, 119 तक, 2 3 4, पहले 4 ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4, 110 से 119 अब तो कोई नहीं है, यानी इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 4। नेक्स्ट है मेरे पास 120 से 130, यानी 30 तो इसमें अवेलेबल नहीं होगा, 120 से 129 एक, 29 तक, 2 3 4, यानी यहां पे हो जाएगा 1 2 3 4, तो इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 4। नेक्स्ट है 130 से 140, यानी 130 से 140 तो है, बट 40 इसमें अवेलेबल नहीं होगा, यानी 139 तक, बट मेरे पास मैक्सिमम 130 ही है, यानी 130 कितना है, तो केवल बचा हुआ एक ही है, बाकी तो कोई बचा हुआ नहीं है, यानी इसका टैली मार्क 1 हो जाएगा और इसका फ्रीक्वेंसी भी 1 हो जाएगा। तो अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, मेरे पास 40 हाउसेस था, 6 2 8 3 11 और 8, 19 5 24 7 31 4 35 4 39 1 40, यानी मेरा जो फ्रीक्वेंसी टेबल है ये करेक्ट है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्वेश्चंस में गिवन था द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ 40 हाउसेज
इन अ लोकेलिटी आर गिवेन बिलो। 40 घरों का एक लोकेलिटी का मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया हुआ था जो कि डाटा के फॉर्म में था, और हमें कंस्ट्रक्ट करना था कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल ड्रॉ करना था। तो हम सबसे पहले इसमें क्या किए कि इसमें हम क्लास इंटरवल ले लिए, टैली मार्क ले लिए, फ्रीक्वेंसी ले लिए। क्लास इंटरवल चूंकि मेरे पास कोई सफिशियंट दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में कि कहाँ से लेना है, तो हम अपने मुताबिक यहाँ पे पहले हम देखें कि मैक्सिमम लिमिट क्या है इसमें, मिनिमम लिमिट क्या है, उसको नोट करने के बाद 52 है, यानी हम 10 का हाइट लेके चले हैं। 52 कहाँ से अवेलेबल हो जाएगा, तो 50 से 60 यदि हम लेंगे, 50 से 60 यदि आप इसको माइनस करके देखेंगे तो क्या होगा, 10 होगा, यानी 10 का हाइट लेके चले हैं, तो 50 से लेकर के 60। फिर इसका जो अपर होता है इसका लोअर हो जाता है, 60 से 10 ऐड करेंगे 70, फिर 70 इसका लोअर बन जाएगा, फिर 10 ऐड करेंगे 80, 80 इसका लोअर, फिर 10, इसी तरीके से हम 130 से 140 तक बढ़े। उसके बाद एक एक करके चेक किए कि उसमें कितना था, टैली मार्क ड्रॉ किए और फ्रीक्वेंसी को लिख दिए। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।